अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? रेसिपी करीज चैनल पे आज आपको मिलेगी मज़ेदार ये क्या डिज़र्ट बनाया है। तो जी, इसके लिए तो आपको रेसिपी को एंड तक देखना है। चले चलते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल के अंदर आपने ले लेनी क्रीम भर कर। आपने 250 ग्राम जो है वो तकरीबन 250 से यानी तकरीबन आपने ले लेना एक कप भर कर। आपने क्रीम का ले लेना है टेट्रा पैक की, यानी डब्बे वाली यूज़ कर लें या आप चाहें तो घर की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेट्रा पैक से ज़रा ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आप जो है एक जो है पैकेट ले लीजिएगा क्रीम का। चलिए जी, पैकेट ले लिया है क्रीम का और उसको आपने विस्कर की मदद से बहुत अच्छे से आपने बीट करना है। अच्छा, अगर आपके पास बीटर है तो बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा वो उन लोगों के लिए रेसिपीज लेकर आती हूँ जिनके घर में बीटर नहीं होता, ओवन नहीं होता। तो आप उनको घर में जो है वो वही चीज़ें जो बाज़ार से लेकर खा रहे होते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। तो आप घर में बनाएं साफ़ सुथरी हाइजीनिक तरीके से। तो आपने इसको इतना बीट करना है कि दे सकते हैं, मैं इसको बीट करते करते इसकी क्वान्टिटी आप देखेंगे ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे बहुत बीट किया गाइस। इसको जितना बीट करेंगे उतनी ये फूलती जाएगी, यानी एकदम जो है वो सॉफ्ट और एकदम फ्लफी सी होती जाएगी। चलें जी, मैंने इसको तकरीबन बीट करते हैं, मुझे जो है वो आपसे 10 से 15 मिनट हो गए थे। मैंने जो है, अब आपने क्या करना है, इसको इतना बीट करना है, यानी अब आप देख सकते हैं इसका ये बिल्कुल लिक्विडी हो चुकी है, ये अभी सेट हो जाएगी, परेशानी होना है। इसको आपने बहुत अच्छे से जो है बीट करना है। तो बीट करते हुए जब आपका 10 से 15 मिनट गुजर जाएंगे और आपकी जो है वो इसकी क्वान्टिटी और डबल हो जाएगी, एकदम फ्लफ़ी फूली हुई हो जाएगी। गर्मी है तो आपको ये थोड़ी स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये बिल्कुल लिक्विडी रनी हो गई है, तो आपने परेशान नहीं होना है। इससे बीट करने के बाद आपने इसके अंदर आधा कप भर कर, यानी आपने जो है मैरिंग कप के हिसाब से भी आधा कप भर कर आपने इसमें कंडेंस मिल्क का शामिल कर देना है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप रेसिपी करी चैनल पर जाएंगे तो आपको जो है कंडेंस मिल्क की रेसिपी मिल जाएगी, होममेड, बगैर कोई अब मिल्क पाउडर ऐड किए हुए, इंस्टेंट और बिल्कुल आसान जो है घर में बना सकते हैं बिल्कुल सस्ते में। तो आप जो है जाकर देख लीजिएगा। चलें जी, आपने अच्छे से बीट कर लिया। बीट कर लेने के बाद दोनों अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से दे सकते हैं। मैं इसको बीट कर रही हूँ, जितना आप बीट करेंगे आपकी उतनी आज जो है मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बनेगा, और इतनी मज़े की आपकी उतनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी आपकी जो है वो सॉफ्ट स्मूथ सा टेक्स्चर आएगा आपकी क्रीम का। और आप जो है वो मज़े जो भी डिज़र्ट बनाने जा रहे हो आप उसमें इस तरह से जितना बीट करेंगे, चाहे बीटर का इस्तेमाल करें या विस्कर से, तो आपने अच्छे से बीट करना है। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लिया। सिर्फ और सिर्फ देखें 2 इंग्रेडिएंट गए थे। उसके बाद आपने एक से तीन बाउल इस तरह से लेकर उसमें शिफ्ट करना है। अलग-अलग जो है बाउल लेने हैं, 3 अदद लेने हैं। अब आपको बताऊंगी क्यों 3 अदद बाउल लेने हैं। पहले आप इसको भरेंगे, ठीक है जी, तीनों की सेम क्वांटिटी रखनी है, यानी सेम इक्वल आपने भर लेने हैं 3 अदद बाउल जो है वो इस तरह से लेकर। आपने 3 बाउल में ये जो सारा मिक्सचर जो था मिक्सचर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। चलें जी, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आइसक्रीम, यूनिक सी आइसक्रीम आपको मज़ेदार सी जो कि इतनी मज़े की बनने वाली है, छोटे बड़ों को सबको पसंद आने वाली है। तो आपने इस तरह से मिक्स जो है वो मिक्स कैसे करेंगे इसको बाद में मैं आपको बताऊंगी। तो चलें जी, 3 बाउल के अंदर इस तरह से आपने सारी की सारी शिफ्ट करनी है, क्योंकि आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको जितना अच्छा फेंटा होगा उतनी अच्छी इसके अंदर क्रिस्टल भी नहीं बनेंगे, जो बर्फ़ सी जम जाती है, हार्ड हो जाती है, वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप इसे अच्छे से बीट नहीं करते हैं। और इसके अंदर जो है वो चीनी के बजाय अगर इसी तरह से, मैंने आपको वैसे मेरे चैनल पर भी जाकर देखेंगे तो आपको कंडेंस मिल्क की मिल जाएगी रेसिपी, नहीं तो अगर बाज़ार से भी ले रहे हैं तो कंडेंस मिल्क से कभी भी क्रिस्टल नहीं बनते, बर्फ़ नहीं दरमियान में जमती है। फिर जी, आपने 1 टेबल एक बाउल के अंदर आपने 1 टेबल स्पून भर कर आपने कोको पाउडर ऐड करना है। दूसरे के अंदर ये जी स्ट्रॉबेरी का जो है वो एसेंस है वो आपने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने जी मिक्स करना है। सबसे पहले आपने स्ट्रॉबेरी वाला मिक्स किया, फिर उसके बाद आपने जो है वो कोको पाउडर वाला, यानी आपने फ्लेवर देने हैं। एक जो है वो आपका सिंपल कुल्फा फ्लेवर होगा, ठीक है। आप जो है वो इसके अंदर चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो कटे हुए पिस्ता या उसके अलावा वनीला एसेंस डाल सकते हैं। और एक के अंदर स्ट्रॉबेरी का एसेंस आएगा, यानी स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आएगा डालकर आपने जो है बनाया, और एक के अंदर आपने जो है वो अच्छे से आपने सेट कर लिया आपने कोको पाउडर को। इसको आप फ्रीज़र में रख देंगे, जमा देंगे, और जी जी जम के बिल्कुल जब रेडी हो जाएगा, डन हो चुका था, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये जी हाफ जब डन हो गया जम जाएगा तो उसको फ्रीज़र से निकाला, दे सकते दरमियान में जम चुकी थी। तो ये इस तरह से सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी की लेयर लगाई, उसके ऊपर जी ये देखें ये भी जम चुकी दरमियान से, तो इसके ऊपर जी मैंने चॉकलेट वाला ये जो आपको कोको पाउडर वाली लेयर थी वो लगा दी, ठीक है। थर्ड नंबर पे जी ये कुल्फा वाली लेयर आ गई, अब कुल्फे वाली लेयर लगाने लगी हूँ। तो इस तरह से ये देखें दरमियान से, यानी मैंने इसको तकरीबन 4-5 घंटे गुजर चुके थे, मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये निकाला तो ये बिल्कुल डन हो चुकी थी दरमियान से। तो जी आपने जो है इस तरह से जब डन हो जाएगी तो आपने निकालना है, और अगर आपकी फुली जम चुकी हो तो आप उसे तोड़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाहर रखिएगा। उसके बाद जो है वो उसे तोड़ने के बाद फिर उसी इसी तरह से लेयरिंग उसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो जी आपने जो है, मैंने गलती से इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था तो दरमियान से ही जम चुकी थी काफ़ी ज़्यादा।
सो लेयरिंग इसी तरह से करते जाएंगे, यानी आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऊपर चाहें तो कुल्फ़ा के लगा लें, यानी बेस में कुल्फ़ा कर लें, फिर उसके बाद चॉकलेट वाली फ्लेवर, अब जो है वो उसके बाद चॉकलेट का फ्लेवर जो आपने ऐड किया था वो बना लें, उसके बाद जो है लास्ट में फिर आप जो है स्ट्रॉबेरी की अपने हिसाब से लेयरिंग कर लीजिएगा। तीनों को इस तरह से लेयरिंग करने के बाद फिर जी आपने ये थोड़ा चूरा किया हुआ मेरे पास जी जो केक है, ठीक है, वेनिला केक है, चूरा किया हुआ था मैंने। इसकी रेसिपी मैं आपको देखचे में पतीले में पैन में बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आप जाकर रेसिपी कर चैनल पर देख लीजिएगा किस तरह से स्पंज केक सिंपल जो है घर में बना सकते हैं। डिफरेंट केक की रेसिपीज हैं, चॉकलेट है, उसके बाद दही वाला केक है, किंग केक की केक के जो है वो मैं बनाना सिखा चुकी हूँ आपको ओवन के बगैर, तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये मैंने खुद बनाया था केक, ठीक है। तो जस्ट आपने इसके ऊपर जो केक की लेयरिंग लगा लेनी है, नहीं है अगर आपके पास केक हो तो आप बाज़ार से जो है वो ले लीजिएगा सिंपल, जो आप जो वो केक फ्रूट केक होता है वो लेकर उसके चूरा करके आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद आपने ये जी थोड़े से बिस्किट्स लेने हैं, कोई से भी बिस्किट जो आपको अच्छे लगते हो वो आप लेकर उसको भी आप थोड़ा सा जो मोटा मोटा कूट लीजिएगा, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर जी बिस्किट की लेयरिंग लगाएंगे, बिस्किट इस तरह से आपने लगा लेने अच्छे से, आप बिस्किट जो है ऊपर नीचे अच्छे से लगाइएगा, तो ये जी अच्छे से बिल्कुल सारे जो है अपने यानी लेयरिंग देते जाना है, जितनी ज़्यादा लेयरिंग देंगे उतने मज़ेदार ये आइसक्रीम बनेगी, है ना। डिफरेंस ये आइसक्रीम की रेसिपी, क्योंकि आप जो है वो डिफरेंट एक ही तरह की रेसिपीज़ मैं बनाना सिखा रही थी, कभी आपको कुल्फ़ी की सिखा रही थी, कभी आपको जो है वो आपको डिफरेंट जो आइसक्रीम्स किस जार में, कभी मैंगो की, तो आज आपके लिए कुछ यूनिक सा लेकर आई हूँ, ये मज़ेदार सी आपने आइसक्रीम शायद ही कभी खाई हो। तो आपने इस तरह से लेयरिंग लगा लेनी है, बिस्किट की लेयरिंग लगाने के बाद फिर इस तरह से ऊपर से अच्छे से जी आपने कुकीज़ की लेयरिंग लगा ली, जब इसको सेट होने के लिए रख दिया 5 से 10 मिनट, जब ये सेट हो गया फ्रिज में रख दिया था, उसके बाद आपने चॉकलेट लेनी है, मेल्टेड चॉकलेट लेनी है, डार्क चॉकलेट ले ली, उसके अंदर जी आपने जी इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर आप फैला देना, ठीक है। यानी आपने पहले से सेट होने देना, आइसक्रीम को सेट होने दीजिएगा, उसके बाद केक उसके ऊपर डालेगा, उसके बाद बिस्किट डाल के फिर थोड़ी देर फ्रिज में रखेगा, और उसके बाद जी ऊपर से आपने चॉकलेट डाल के अच्छे से चॉकलेट फैलाकर फिर जी आपने इसको सेट कर लेना है, और उसके बाद जी आप इसके ऊपर कटे हुए जो है बादाम जो है इस तरह से अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिएगा लंबे लंबे कटे हुए, और जी जब उसके बाद आपने इसको जी फ्रीज़र में रख देना है, 4-5 घंटे फ्रीज़र में रख दिया, जब अच्छे से सेट होगी जम चुकी थी, तो ये देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर जी रैपिंग शीट लगाई हुई थी, शीट उतार लेंगे। शीट उतारने के बाद जी अब आपने इसको क्या करना है, इसको मैं बताती हूँ कि सही बिल्कुल जम चुकी है, सेट हो चुकी है आइसक्रीम, तो इस आइसक्रीम को निकालने के लिए आपने नीचे की तरफ इसी तरह से रैपिंग शीट रखनी है और उल्टा इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। फिर जी आपने इस तरह से उल्टा की तरह निकालेंगे तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे की तरफ होना चाहिए, फिर जी इस तरह से आप पकड़ के आप इसको जी इस तरह से आप सीधा कर लीजिएगा, तो जी मज़ेदार सी ये आइसक्रीम जो है मज़ेदार यम्मी आइसक्रीम जो है वो डन हो चुकी है। तो जी आपने क्या करना है, फिर जी इसको जी कट करने की बारी आती है, अभी आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की है। तो अब आपने इसे छुरी की मदद से अच्छे से इसे कट कीजिएगा और इसके पीसेस बना लीजिएगा, चाहें तो आप जो है इस तरह से आप किसी तरह से भी आप इसको जो है निकाल कर कुल अगर चाहें तो ऐसे कुल्फ़ी के शसरों में जमा सकते हैं, लेकिन मज़ेदार सी आइसक्रीम छोटे बड़े बड़ों को सभी को पसंद आएगी, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इस यूनिक सी रेसिपी को, और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और इस आइसक्रीम को बनाकर फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रोज़ाना जो वीडियोस आती है उसकी नोटिफिकेशन मिले और मज़े मज़े खाने बना सकें। अल्लाह नेगेबान।